मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और तमाम सामईन किराम, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अल्लाह ने हमें, आपको और तमाम इंसानों को आजमाइश के लिए पैदा किया है। ज़िंदगी और मौत का जो निज़ाम है, ये आज़माने के लिए है। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी को आज़मा रहा है, हम में से हर कोई आजमाइश में है। अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है कि वो हर किसी को आज़माएगा, जो आज़माइश में पास हो जाएगा तो उसके लिए नजात है, सआदत है, और जो आज़माइश में फ़ेल हो जाएगा तो वो इस नजात और सआदत से महरूम हो जाएगा। आज़माइश अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की खैर के ज़रिए भी करता है और शर के ज़रिए भी करता है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़रमान है, वनबलूकुम बिश्शर वल खैर फितना, हम तुम्हें आज़माएंगे खैर के ज़रिए से भी और शर के ज़रिए से भी, अच्छाई के ज़रिए भी और बुराई के ज़रिए भी, नेमतें देकर भी और मुसीबतें देकर भी, हम तुमको दोनों तरीक़े से आज़माएंगे। सब्र और शुक्र करेंगे तो नजात मिलेगी, सआदत मिलेगी, और सब्र शुक्र का दामन छोड़ देंगे, नाशुक्री करेंगे, सरकशी करेंगे, नाफरमानी करेंगे और अल्लाह की नेमत की नाकदरी करेंगे तो उस नजात और सआदत से महरूमी हाथ आएगी। मुहतरम हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ़ मुसीबतें देकर ही नहीं आज़माता है, बल्कि मुसीबतें दूर करके भी आज़माता है, और वो सिर्फ़ आखिरत ही में सज़ा नहीं देगा बल्कि दुनिया में भी सज़ा देता है। और दुनिया की एक सज़ा ये है कि अल्लाह ने जो नेमतें बंदे को दे रखी हों उससे उन नेमतों को छीन ले, ये अल्लाह की सुन्नत रही है और अल्लाह का तरीक़ा रहा है बंदों की आजमाइश में। इस बारे में मैं आपके सामने एक किस्सा बयान करता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। इस किस्से में हमारे लिए बहुत सारी इबरत और नसीहत की बातें हैं, गौर से समाअत फरमाइएगा और इबरत और नसीहत हासिल कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि बनी इसराइल में तीन शख्स थे, अल्लाह ने उन तीनों को आज़माना चाहा तो उनकी तरफ एक फरिश्ते को भेजा इंसान की सूरत में। उन तीनों में से एक अबरस था, उसको सफ़ेदी की बीमारी थी, उसके बदन का जो चमड़ा था वो सफ़ेद था। दूसरा गंजा था, उसके सर पर बाल नहीं था, और तीसरा नाबीना था, वो देख नहीं सकता था। अल्लाह ताला ने इन तीनों की आजमाइश चाही तो उनकी तरफ अपने एक फरिश्ता को भेजा इंसान की शक्ल में। वो फरिश्ता
तीनों के पास एक एक करके आता है और आजमाइश में डालता है अल्लाह के हुक्म से। वो फरिश्ता सबसे पहले अबरस के पास आता है जिसके बदन में सफ़ेदी की बीमारी थी। अबरस उसके पास आता है और उससे आके पूछता है, अय्यु शयइन अहब्बु इलैक, तुम्हारे नज़दीक सबसे बेहतरीन, सबसे महबूब और पसंदीदा चीज़ क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, सबसे अज़ीज़ सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है तुम्हारे यहाँ जो तुम्हें चाहिए। तो वो कहता है कि मेरी चाहत है, मेरी तमन्ना और आरज़ू है कि मेरे बदन का जो रंग है वो बेहतर हो जाए और बेहतरीन चमड़ी मुझे मिल जाए और ये जो ऐब मेरे अंदर है बदन की सफ़ेदी का, मेरे बदन के चमड़े सफ़ेद हैं, ये ऐब दूर हो जाए, इसकी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, घिन खाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, करीब नहीं होने देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐब दूर हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए। तो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उसके बदन पर हाथ फेरता है और उसका ये ऐब, उसकी बीमारी दूर हो जाती है, उसकी सफ़ेदी ज़ाहिल हो जाती है और वो बड़ा ख़ूबसूरत नज़र आने लगता है, उसका बदन, उसके बदन का चमड़ा ख़ूबसूरत हो जाता है। उसके बाद फरिश्ता फिर उससे पूछता है कि कौन सा माल तुम्हारी नज़र में सबसे महबूब और पसंदीदा है, कौन सा माल तुम्हें चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे एक ऊँट चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता उसे एक हामला, 10 महीने की हामला ऊँट दे देता है। उसके बाद वो फरिश्ता दूसरे, उसके दूसरे साथी के पास आता है जो कि गंजा है, उसके सर पर बाल नहीं है। फरिश्ता उसके पास आता है और उससे भी यही कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, सबसे महबूब और पसंदीदा चीज़ तुम्हारे लिए क्या है। तो वो कहता है कि मेरे सर पे बाल आ जाए, मेरा गंजापन दूर हो जाए और जिसकी वजह से लोग मुझसे घिन खाते हैं, नफ़रत करते हैं और अपने से करीब मैं मुझे होने नहीं देते हैं, तो वो ऐब दूर हो जाए, मेरे सर पे बाल आ जाए। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता उसके सर पे हाथ फेरता है और उसके सर पे बाल आ जाता है, उसका गंजापन दूर हो जाता है। उसके बाद फिर फरिश्ता पूछता है कि तुम्हें कौन सा माल चाहिए, कौन सा माल तुम्हारी नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब पसंदीदा है, बताओ कौन सा माल तुम्हें दिया जाए। तो वो कहता है कि मुझे एक गाय चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता उसे एक हामला गाय दे देता है। उसके बाद फरिश्ता तीसरे साथी के पास आता है, तीसरे शख्स के पास जो नाबीना था, वो देख नहीं सकता था, उसके पास फरिश्ता आता है और वही सवाल करता है कि तुम्हें क्या चाहिए, सबसे महबूब और पसंदीदा तुम्हारी नज़र में क्या चीज़ है जो तुम्हें मतलूब है, तुम्हें चाहिए। तो वो कहता है कि मेरी बीनाई वापस आ जाए, मैं नाबीना हूँ, देख नहीं सकता हूँ, अल्लाह मुझे बीना कर दे, मुझे बसारत अता कर दे, मैं देखने लगूँ, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। तो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उस पर हाथ फेरता है, उसकी बीनाई वापस आ जाती है, वो देखने लगता है। उसके बाद फिर फरिश्ता कहता है कि तुम्हें कौन सा माल चाहिए, वो कौन सा माल है जो तुम्हारी नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा है। तो वो कहता है कि मुझे एक बकरी चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता उसे एक हामला बकरी दे देता है। उसके बाद फरिश्ता तीनों के लिए दुआ करता है बरकत की कि अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारे ऊँट में, तुम्हारी गाय में, तुम्हारी बकरी में बरकत अता करे, और फरिश्ता वापस चला जाता है। एक अरसा गुजर जाता है, एक मुद्दत बीत जाती है। इस बीच में ये तीनों जो पहले मिस्कीन थे, मुहताज थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत मालदार हो जाते हैं, उस गाय और बकरी और ऊँट की वजह से बहुत मालदार हो जाते हैं। फरिश्ते की बरकत की दुआ कबूल होती है और उस एक ऊँटनी की वजह से
उसके पास बहुत ज़्यादा ऊँट और ऊँटनी हो जाती है, पूरी वादी पूरा मैदान भर जाता है। दूसरे के पास उस गाय की वजह से बहुत ज़्यादा बैल और गाय उसके पास हो जाती है, पूरा मैदान पूरी वादी उससे भर जाती है। और तीसरे के पास उस एक बकरी की वजह से अल्लाह इतना बरकत देता है कि पूरा मैदान पूरी वादी बकरियों के रेवर से भर जाता है। तो इस तरह से वो तीनों पहले से ठीक भी हो जाते हैं, जिस्मानी एतबार से उनका ऐब उनकी बीमारी दूर हो जाती है, माली एतबार से भी वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। एक मुद्दत के बाद, एक अरसा गुजर जाने के बाद फरिश्ता दोबारा वापस आता है, एक एक करके तीनों के पास आता है। सबसे पहले फरिश्ता अबरस के पास आता है, जिसको पहले सफ़ेदी की बीमारी थी, उसके पास आता है फरिश्ता उसी सूरत में, उसी शक्ल में, अबरस बनकर इंसान की शक्ल में आता है, जिसको कोढ़ की बीमारी हो, सफ़ेदी की बीमारी हो, उसी शक्ल में आता है और उसके पास आके कहता है कि रजुलुन मिस्कीन वबनो सबील, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, मोहताज आदमी हूँ, ज़रूरतमंद आदमी हूँ, मुसाफिर हूँ। इन क़तअत बी अल-हिबाल फ़ी सफ़री, मेरे सफ़र के साजो सामान असबाब सब ख़त्म हो चुके हैं। फ़ला बलाग़ ली अल-यौम इल्ला बिल्लाह सुम्मा बिक, मैं मंजिल मकसूद तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए अल्लाह की फिर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जिस अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है, अच्छा बदन और अच्छा रंग तुम्हें अता किया है और ये माल व दौलत तुम्हें अता की है, मैं उस अल्लाह का वास्ता देकर तुमसे एक ऊँट मांगता हूँ, मुझे एक ऊँट दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँ। तो वो शख्स कहता है अल-हुकूक़ु कसीरा, मेरे पास जो माल है उसमें बहुत सारे हुकूक़ हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं गुंजाइश नहीं पाता हूँ कि तुम्हें एक भी ऊँट दे सकूँ, मैं नहीं दे सकता। तो फरिश्ता कहता है कि एक अन्य आरिफों का, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ, क्या तुम वही अबरस नहीं थे जिसको सफ़ेदी की बीमारी थी और लोग जिससे घिन खाते थे, नफ़रत करते थे, क्या तुम वही नहीं हो जो मिस्कीन थे, मोहताज थे मेरी तरह, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें माल अता किया, ऊँट अता किया। तो वो शख्स कहता है इन्नमा वरिस्तु हाज़ा काबिरन अन काबिर, वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं शुरू ही से ऐसा हूँ, मैं शुरू ही से खूबसूरत हूँ, अच्छा सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ, और ये जो माल दौलत तुम देख रहे हो मैंने ये बाप दादा से पाया है, विरासत में पाया है। तो फरिश्ता कहता है इन कुंत काज़िबन फ़सय्यरकल्लाहु इला मा कुंत, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह फिर से तुमको उसी हालत पे लौटा दे जिस हालत पर तुम पहले थे। फरिश्ता बद्दुआ करता है, अब जाहिर से बात है फरिश्ते की बद्दुआ है, कबूल तो होनी ही है, तो अल्लाह ने उसको ऐसे ही कर दिया होगा, वो फिर से कंगाल बन गया और फिर से अबरस बन गया। उसके बाद फरिश्ता दूसरे शख्स के पास आता है जो कि कभी गंजा हुआ करता था, मिस्कीन था, और उसके पास आकर भी उसके सामने अपनी हालत, अपना हाल बयान करता है, अपनी हाजत और ज़रूरत को रखता है और उससे मांगता है मदद, लेकिन वो भी कोई मदद नहीं करता है और वैसे ही जवाब देता है जैसे कि अबरस ने जवाब दिया था। तो उसके ख़िलाफ़ भी फरिश्ता वैसे ही बद्दुआ करता है जैसे उसके ख़िलाफ़ बद्दुआ की थी और उसका हाल भी फिर से वापस वैसे ही हो जाता है। उसके बाद फरिश्ता तीसरे शख्स के पास आता है जो कभी नाबीना था और मोहताज था, उसके पास आकर भी वही कहता है कि मैं मिस्कीन आदमी हूँ, मुसाफिर हूँ, साजो सामान सफ़र का ख़त्म हो चुका है, मुझे फ़लाँ जगह अपनी मंजिल पे पहुँचना है, अल्लाह की मदद चाहिए, फिर तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम मदद कर दो तो मैं अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफीक से अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा। और जिस अल्लाह ने तुम्हें ये नेमत दी है, मालो दौलत अता किया है और देखने की सलाहियत दी है, मैं उस अल्लाह के वास्ते से, उसके हवाले से तुमसे सवाल करता हूँ, एक बकरी दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँ। तो वो नाबीना शख्स जो था पहले, वो जवाब देता है कि वाकई मैं कभी नाबीना था, मैं देख नहीं सकता था, और ये हकीकत है कि मैं पहले मिस्कीन था, मोहताज था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे याद है
और आज तुमने अल्लाह का हवाला देकर मुझसे मांगा है, तो ये सारा का सारा माल, दौलत, सारी बकरियां जो तुम देख रहे हो, ये सब अल्लाह की अता करदा हैं। इनमें से तुम जो चाहो जितना चाहो ले लो, और जो चाहो जितना चाहो छोड़ दो, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। फरिश्ता ये सुनकर कहता है, अपना माल तुम अपने पास रखो। हकीकत ये है कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया था तुम तीनों को आज़माने के लिए। तुम्हारे वो दोनों साथी फेल हो गए आजमाइश में, नाकाम हो गए, अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया और तुम पास हो गए अल्लाह के फजल से, अल्लाह तुमसे राज़ी और खुश हो गया। और उसके बाद फरिश्ता चला जाता है। तो सुबहानअल्लाह, देखिए ये वाक़या, ये किस्सा जो मैंने आपके सामने बयान किया है, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, इस पर गौर कीजिए और इसमें फ़िक्र कीजिए, तो हम पाएंगे कि इसमें हमारे लिए इबरत और नसीहत की बहुत बड़ी बातें हैं। हमें चाहिए कि हम इबरत और नसीहत हासिल करें। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला हमें आज़मा रहा है। हम मुसीबत में हैं तो भी अल्लाह आज़मा रहा है कि हम सब्र करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हमारे ऊपर अल्लाह की नेमतें हैं, हम खुशहाली में हैं, तो भी अल्लाह हमें आज़मा रहा है कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते हैं। लिहाजा आजमाइश में सब्र करना चाहिए, नेमतों की हालत में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का एहसान मानना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और उन नेमतों में ज़रूरतमंदों और मोहताजों का भी हक़ अल्लाह ने रखा है, तो उनके उन हुकूक को ना भूलें। और जो भी हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, या आपके पास आते हैं, अपना हाथ फैलाते हैं, अपनी ज़ुबान खोलते हैं, अल्लाह ने आपको अता किया है, तो उसमें से उनकी ज़रूर मदद कीजिए। अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे, अपने माल को छुपाएंगे, कुदरत रखने के बावजूद उस ज़रूरतमंद की हाजत को पूरी नहीं करेंगे और बहाना बनाएंगे, तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह नाराज़ हो जाए और अल्लाह आपसे अपनी नेमतों को छीन ले, जैसा कि आपने इस किस्से में देखा है। इस किस्से से ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो इस दुनिया में भी सज़ा दे सकता है और देता है। जज़ा और सज़ा सिर्फ आखिरत के लिए नहीं है, दुनिया में भी अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा देता है, जैसा कि इस किस्से से मालूम होता है। इसलिए इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए, और इंसान को अल्लाह की तरफ से तंदरुस्ती मिली है, माल और दौलत मिली है, ओहदा और मनसब मिला है, शोहरत मिली है, काबिलियत, सलाहियत, इल्म, हुनर मिला है, अच्छी जॉब है, अच्छी तिजारत है, अच्छा ख़ानदान मिला है, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे मिले हैं, इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सरकशी नहीं करना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला जब उन्हें नवाजता है तो वो सरकश हो जाते हैं, मुतकब्बिर हो जाते हैं, और अल्लाह के हुकूक़ को भूल जाते हैं, लोगों के हुकूक़ को भूल जाते हैं, तकब्बुर करते हैं, दिखावा करते हैं, फ़ख्र मुबाहत जताते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, इस किस्से से उन्हें नसीहत पकड़नी चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस अल्लाह ने आज तुम्हें नवाजा है, वो जब चाहे तुमसे इस नवाजिश को छीन सकता है। इस किस्से से ये भी मालूम हुआ कि इंसान को अपनी हैसियत को नहीं भूलना चाहिए, अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए, अपना माजी हमेशा याद रखना चाहिए, अपनी हकीकत निगाहों के सामने रखनी चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले हम क्या थे, हम कौन हैं, हमारी हकीकत क्या है। अपने माजी को हमेशा याद रखना चाहिए। उससे क्या होता है, इंसान नरम दिल वाक़ होता है और सरकश नहीं होता है, मुतकब्बिर नहीं होता है। हालत बदल जाने के बाद, हालत बदल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छी हालत हो जाए तो अपनी पिछली हालत को गौर करें। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। इसी तरीके से एक आखिरी बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखा आपने झूठ का अंजाम क्या होता है। उन दोनों ने झूठ कहा कि मैं पहले से ऐसा हूँ, उन दोनों ने झूठ कहा कि बाप दादा से मैंने ये पाया है, जबकि सच्चाई ये थी कि पहले वो दोनों मिस्कीन थे, कुछ नहीं था, पहले वो दोनों ऐबदार थे, अल्लाह ताला ने उनकी हालत को सुधारा था, लेकिन उन्होंने झूठ कहा, गफलत के शिकार हो गए, सरकशी की, तकब्बुर किया, और अल्लाह ने जो दिया था उसमें से बंदों का हक अदा नहीं किया, अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं की, अल्लाह का एहसान भूल गए, तो इसका अंजाम क्या हुआ आपने देखा, अल्लाह ताला ने फिर से वापस उनको पहली हालत पे कर दिया। तो ये जो किस्सा आपके सामने बयान किया गया है, इस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और अपनी हालत को इस किस्से पर रखना चाहिए। हम में से हर कोई या तो नेमत में है या मुसीबत में है, हमें सब्र करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए, और
اللہ کے جو حقوق ہیں، بندوں کو جو حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے قصے جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور جو آپ تحریر و تقریر کے ذریعے سے آپ تک پہنچتے ہیں، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور تکبر سے، سرکشی سے، جھوٹ سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.